हेलो, कुछ वोकैब रिवीजन करेंगे, बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे हम, और सिर्फ रिवीजन के बेसिस से इसको आप देखिएगा। तो पहला वर्ड हमारा है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है हेल्प, काइंड, जनरस, यानी कि जो दयालु होता है, दयालु के सेंस में यूज है, जो पर्सन काफ़ी काइंड होता है, तो उसके लिए हम बेनिवोलेंट यूज़ करते हैं। एक्यूमेन मतलब होता है कि इंटेलिजेंस, कोई पर्सन जिसके अंदर एबिलिटी है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के, डिसाइड करने के लिए जल्दी से, तो क्या होता है, एक्यूमेन होता है इंटेलिजेंस के सेंस में। कॉन्फिस्केट का मतलब वो होता है कि टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, किसी चीज़ से कोई चीज़ ऑफिशियली छीन लेना, यानी कि सीज कर लेना, अथॉरिटी, खुड़की वगैरह होती है उस सेंस में। ऑब्स्क्योर मतलब कि नॉट वेल नो, जो जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं ना, अनक्लियर की बात है, तो अगर कोई चीज़ अनक्लियर तो आपको डिफ़िकल्ट होगी अंडरस्टैंड करने में। डी जनरेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चीज़ें क्या हो रही है, वर्शन हो रही है, ख़राब हो रही है, क्वालिटी या कंडीशन क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। डेटोरेट मतलब बिकम वर्शन, भाई क्वालिटी की बात हो रही है, डेटोरेट हो रही है, कंडीशन क्या हो रही है, ख़राब हो रही है, ठीक है। कंसियर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, बहुत भला बुरा कहना, बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिज़म करना, ठीक है, जो कि आप पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। डिलीजेंट का मतलब इंडस्ट्रियस, मेहनती के सेंस में होता है, ठीक है। तो डिलीजेंट इंडस्ट्रियस एक दूसरे के सिनोनिम्स होगी। इंडिफरेंट मतलब हैविंग और शोइंग नो इंटरेस्ट इन समबडी या समथिंग, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाना, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत ध्यान ला, मतलब डीपली सोच रहे हो उसी चीज़ में, आप क्या करो, किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ध्यान ज़्यादा उसमें आप इन्वॉल्व हो जा रहे हो, तो कंटेम्पलेशन के बारे में। डेलिब्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में क्या करना, डिस्कस करना, केयरफुल डिस्कस करना। द क्वालिटी ऑफ बिंग स्लो एंड केयरफुल इन व्हाट यू से एंड डू, आप जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो, उसके बारे, उस चीज़ के बारे में काफ़ी केयरफुल होना, तो डेलिब्रेशन हो जाएगा उसका। स्पेकुलेशन मतलब अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना के सेंस में। एडलेशन का मतलब एडमायरेशन करना, प्राइज करना, किसी की तारीफ़ करना, स्पेशली वन दिस इज़ ग्रेटर देन इज़ नेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा किसी की तारीफ़ करना। फ्लैटरिंग वही सेंस हो जाएगा कि आप किसी से क्या कर रहे हो, तारीफ़ कर रहे हो, और होता ना किसी से काम निकलवाना हो तो लोग तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, तो वही सेंस है एड फ्लैटरिंग। फेवर मतलब क्या होता है, सेकिंग स्लाइटली, कोई चीज़ सेक करना धीरे से, स्लाइट मोमेंट, कोई बहुत धीरे से मोमेंट करना। फेवर मतलब होता है बिकम वीक अनस्टेडी, कोई वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, टू हेजिटेट या फिर हिचकना, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकना। ट्रेम्बल मतलब सेक इन अ वे दैट यू कांट कंट्रोल, लड़खड़ाने के सेंस में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ये सर वर्ड उतना नहीं, रिमेडियल मतलब रिमेडी के, कोई प्रॉब्लम के सॉल्व करने के सेंस में रिमेडियल यूज़ होता है। फ्लटर मतलब होता है मूव लाइटली या क्विकली। सोर मतलब क्या होता है, हाइक, बहुत तेज़ी से क्या करना, बढ़ना। सोर का मतलब क्या होता है, टू राइज समथिंग स्मूथली, बहुत तेज़ी से बढ़ना, ठीक है। टू वेरी टॉल, हाई और टॉल। सोबर मतलब डार्क इन कलर, डल, सैड और सीरियस, जो सोबर मतलब डार्क, या फिर आप सैड हो, सीरियस हो, डल के सेंस में है। ग्लूमी मतलब वही होता है धुंधले के सेंस में, डार्क, बैडली, सैड के सेंस में यूज़ कर सकते हैं ग्लूमी। रूड मतलब वही, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन जजमेंट कर रहा है, बहुत अच्छे से जजमेंट कर रहा है, इंटेलिजेंस है, क्लेवर है वो, उसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्यूस। इम्प्यूस मतलब गॉड के टूवर्ड या किसी भी रिलीजन के टूवर्ड आप डिसरेस्पेक्ट दिखा रहे हो, लैक ऑफ रेस्पेक्ट है। हॉली मतलब सबको पता होगा। मिस्चीफ मतलब इंजॉय प्लेइंग ट्रिक, किसी को धोखा देना। स्कॉट मतलब किसी को डांटना, डांट लगाना, फटकार लगाना। और रेडिकल मतलब किसी के मॉकिंग करना, यानी कि उसके ऊपर हंसना। फ्रीलांस का मतलब सबको पता होगा। इम्पेयर मतलब किसी चीज़ को डैमेज करना या फिर उसको एकदम ख़राब बनाना। मोरस मतलब अनहैप्पी, बैड टेम्पर्ड, ग्लूमी, अनहैप्पी के सेंस में, दुखी के सेंस में है। जेनियल मतलब फिर फ्रेंडली और चेयरफुल। इंड्यूडेशन मतलब होता है फ्लड, बाढ़ आ जाना, यानी किसी भी एरिया में पानी भर जा रहा है, तो इंडेड हो जा रहा है, यानी कि वहाँ पर पानी की वजह से फ्लड आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट हमें इंट्रेपिड, इंट्रेपिड मतलब वेरी ब्रेव, नॉट अफ्रेड ऑफ डेंजर और डिफिकल्टीज, जैसे कि हमारा एग्जाम, ठीक, हम ब्रेवरी दिखाएंगे, यानी इंट्रेपिड बन के जाएंगे। एब्रोगेट मतलब कोई भी ऑफिशियल लॉ को हम क्या कर रहे हैं, एंड कर दें, किसी एग्रीमेंट को क्या करें, एंड कर रहे हैं। रिपेल मतलब क्या होता है, किसी भी लॉ को अब उसको हटा देना, मतलब हटा देना, यानी अब वो लॉ क्या है, वैलिड नहीं है। डेफरेंस मतलब कि, डेफरेंस का मतलब होता है कि रिस्पेक्ट दिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेफरेंस एसएससी में बहुत पूछा जाता है, किसी के टूवर्ड रेस्पेक्ट दिखाना, किसी चीज़ के टूवर्ड आप रेस्पेक्ट दिखा रहे हो तो उसके लिए डेफरेंस हो जाएगा। ग्रैंडियर मतलब होता है बहुत ही ग्रेट क्वालिटी में, इंप्रेसिव एंड अपियरेंस, तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है मैनिफिसियंस हो जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो है ऑब्नॉक्सियस मतलब होता है बहुत अनप्लीजेंट, जो अच्छा ना हो, ऑफेंसिव। फिल्थी मतलब डर्टी एंड अनप्लीजेंट। कोवेनेंट मतलब होता है किसी को प्रॉमिस करना किसी चीज़ के लिए, लीगल एग्रीमेंट के लिए। प्रोलिफरेट मतलब इंक्रीज़ करना रैपिडली नंबर ऑफ अमाउंट, किसी नंबर को इंक्रीज़ करना, किसी कोई चीज़ बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है तो प्रोलिफरेशन हो रहा है। प्रोहिबिट मतलब रोकना, स्टॉप करना। स्टिपुलेट मतलब कि सपोज अगर आपको कोई काम दिया गया और विद इन स्टिपुलेट टाइम, यानी कि इस टाइम के बीच में ये टाइम आपको अलॉट कर दिया गया, तो उस सेंस से स्टिपुलेट होता है। अलॉरिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, एक्साइटिंग, मिस्टीरियस वे। मोमेंटस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फ्लिटिंग मतलब होता है जो काफ़ी कम टाइम में ख़त्म हो जाए, ब्रीफ हो, जैसे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप लिखते थे ना इन ब्रीफ, तो उसके सेंस में फ्लिटिंग मतलब काफ़ी कम टाइम में ख़त्म होना। इन्फेक्चुएशन मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग और लव अट्रैक्शन फॉर समबडी, ये तो सबको पता होगा। पैशन किसी के टूअर्ड पैशन का मतलब भी सबको पता ही होगा। कंसाइज का मतलब टू गिव सेंड समथिंग टू समबडी, या कोई भी चीज़ देना कोई भी चीज़ किसी को देना। सेंसियर मतलब वही क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ को बहुत भला बुरा करना। फेडिलिटी मतलब क्वालिटी ऑफ बींग लॉयल टू समथिंग समबडी, जो कि आज के डेट में किसी को कोई फेडिलिटी शो नहीं करता। गार्निश का मतलब होता है टू डेकोरेट समथिंग अ फूड, फूड को गार्निश करना। गार्नर मतलब टू कलेक्ट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन, गार्नर मतलब किसी को क्या करना, कलेक्ट करना। एडॉर्न मतलब टू मेक समथिंग लुक मोर अट्रैक्टिव, पार्लर वाला का जो काम होता है। बेनिस का मतलब टू ऑर्डर समबडी टू लीव आर अ प्लेस स्पेशली कंट्री। बेनिस इन किसी को क्या कर रहे हो, देश से निकाल दे रहे हो, तो किसी को आप देश से निकाल रहे हो तो उसे क्या कर रहे हो, बेनिस कर रहे हो। रेवेस का मतलब होता है डैमेज कर देना बहुत बुरी तरह से। डिमोलिश मतलब बिल्डिंग गिरा देना, सब अभी नोएडा में एक बिल्डिंग गिरी थी ना, तो उसको हम क्या किया गया था, डिमोलिश किया। एबॉलिश मतलब किसी भी लॉ को क्या कर देना, एंड कर देना। और पायस मतलब कि यहाँ पे रेस्पेक्ट दिखाना किसी भी गॉड के, मतलब गॉड के टूवर्ड, भगवान के टूवर्ड, रिलीजन के टूवर्ड। और सेक्रेट में पवित्र की बात हो रही है। और सुपरस्टिशियस मतलब होता है कि जैसे कि बहुत लोग अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। जिसको साइंस अब तक प्रूफ नहीं कर पाई है। एवराइस मतलब होता है वो एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर वेल्थ लालची के सेंस में। जेनरोसिटी मतलब वही फिलंथ्रॉफिस के सेंस में है कि जो दयालु होते हैं। इंडिया के सबसे बड़े फिलंथ्रॉफिस अभी जो हैं वो शिव नादर हैं। अगस्त मतलब होता है इम्प्रेसिव, मेकिंग यू फील रेस्पेक्ट, बहुत ही बड़ा, मेजेस्टिक, यानी राजा, रॉयल के सेंस में, राजा के सेंस में। डेसीमेटेड मतलब टू किल लार्ज नंबर एनिमल प्लांट, इन किसी एनिमल प्लांट को लार्ज नंबर में हम क्या कर दे रहे हैं, किल कर दे रहे हैं। तो ये कुछ रिवीजन के लिए वो कैप थे। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।